assalamu alaikum dear students hopefully you people are having a great time and you people are enjoying your classes through this platform today we have introduction of thomas gray this is pronounced as thomas gray and thomas gray in both ways you people can pronounce it as thomas gray and Thomas Gray. In UK, it is mainly pronounced as Thomas, and in Canada and California, it is pronounced as Thomas. So it's your choice that whatever you like, you people can pronounce. So we are going to introduce its his uh, some of his uh, biographical element and some of his work that he produced during his life. So let's get going with our today's topic. First of all, that Thomas Gray, born in eighteenth century. He born in seventeen hundred and sixteen, and died in seventeen hundred and seventy one. So he was born in eighteenth century. He was an eighteenth century poet. He was an English poet and letter writer and classical scholar. Letter writers mean a uh, letter writer mean a historian who worked on history. Also, a classical scholars mean scholar mean he whatever he produced he had the classical features in his work and he was a professor at cambridge means that by profession he was a professor at cambridge university he is widely known for his work elegy written in a country churchyard published in 1742 हर पोइट उसके वर्क से जाना जाता है या हर शख्स एक काम से जाना जाता है सिमिलरली हर राइटर और पोइट भी उसके अपने मेजर वर्क से जाना जाता है जैसे जॉन मिल्टन इज़ नॉन फॉर पैराडाइज लास्ट जॉफ्री चॉसर इज़ नॉन फॉर द प्रोलॉग टू किन्टर बेरी टेल्स एंड शेक्सपियर इज़ नॉन फॉर शेक्सपियर इज़ नॉन फॉर हैं रोमियन जूलियट हेमलेट जो भी उसकी फेमस प्लेस हैं सिमिलरली क्रिस्टोफर मार्लो इज ना फॉर जू ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फास्टर्स दीज आर द मेजर प्लेस दैट आर रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो सिमिलरली टस ग्रे इज़ नाउन बाई हिज पोएम एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड और आप लोग उसकी टोम पे देख भी सकते हैं दिस इज इन ग्रेवड द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम उसके स्टार्टिंग उसकी स्टार्टिंग लाइंस उसकी कब्र पे भी जैसे लिखी गई हैं कि दर्फ्यू ट्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे के मौत के दिन की गिनती बजती है जब तो तब इंसान की रूह निकल जाती है ये दो तो स्टार्टिंग लाइंस हैं उसकी टूम पे आप देख सकते हैं अच्छा टॉमस वाज एन एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल राइटर सेल्फ क्रिटिकल राइटर उसे कहते हैं जो कभी इवन खुद से भी ज़्यादा सेटिसफाई ना हो जो बहुत आइडियल जिसके जहन में हर चीज़ की डेफिनेशन एक बहुत आइडियल हो और वो अपना भी अपने आप की भी इवेल्यूशन करे उसको कहते हैं सेल्फ़ क्रिटिकल सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली सेल्फ़ क्रिटिकल राइटर हु पब्लिश ओनली थर्टीन पॉइंट्स इन हिज़ लाइफ मे बी इतना कम वर्क उसने इसलिए प्रोड्यूस किया हो कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था और ख़ुद को बहुत इवेल्यूएट करता था कि ये पॉइंट शायद मैं ठीक नहीं लिखी शायद इसमें ये मिस्टेक है शायद ये मिस्टेक है दैट्स वाई ही जस्ट प्रोड्यूस्ड thirteen poems during his life despite of being very popular he was widely known for his poetry he was a very well versed man both and he was also a professor at cambridge but despite of having these honors he just produced thirteen poems so he was highly self-critical writer he was even offered the position of poet laureate in seventeen hundred and fifty seven and he declined this honor पोइट लारीट एक ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनर और अवार्ड होता है पोइट्स के लिए और मेजर राइटर्स के लिए लेकिन उसने ये अवार्ड भी डिक्लाइन कर दिया शायद इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ क्रिटिकल था मे बी वो अपने अंदर की खामियों को जानता था कि शायद मुझ में ये खामियां हैं और मैं इस काबिल नहीं हूँ सो तो ये एक बड़ी अच्छी बात भी होती है कि बंदा सेल्फ को एवेल्यूट करे बट ये भी ज़्यादा एक्सट्रीम पोजिशन पर नहीं होना चाहिए सो थॉमस ग्रे वॉर्न इन लंडन क्योंकि लंदन जो है वो इंग्लैंड का हब है और स्टार्ट ही से रहा है तो ही वाज बोर्न इन लंदन और लंदन की लाइफ से वो बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो हुआ होगा और डेफ़िनेटली उसके वर्क में कहीं ना कहीं हमें लंदन लाइफ जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी हिज़ फ़ादर फिलिप ग्रे वाज एजुकेटेड बट ही वाज ए स्ट्रिक्ट मैन वो एजुकेटेड तो उसका फादर लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट फादर था उसने इसकी माँ को डाइवोर्स दे दिया था ड्यू टू हिज एब्यूसिव एंड मैंटली अनवेल नेचर सो जो स्टार्ट से ही जो पेरेंट्स के दरमियान में एक पार्टीशन है ये टॉमस ग्रे को देखने में मिली टॉमस ग्रे ने अपना ज़्यादा वक्त अपनी मॉम के साथ गुजारा था टॉमस ग्रे इज़ ए अंकल हेल्प टीम फॉर हिस्स एक्डेमिक एक्टिविटीज़ एंड ही बिकेम हिज ट्यूटर और उसने उसके अंकल नहीं उसे विलियम ने उसे पढ़ाया सो उसके अंकल का इम्पेक्ट उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा था और उसकी मदर का भी ग्रे ए डेलीकेंट एंड स्कॉलरली बॉय हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिस्स टाइम इन रीडिंग एंड अवॉइडिंग एथलेटिक्स इसने अपना ज़्यादा टाइम पढ़ने में गुजारा और ना कि जो यूथफुल एक्टिविटीज़ होती हैं यूथफुल जितनी भी आपकी प्लेबल एक्टिविटीज़ हैं उनमें नहीं बल्कि ज़्यादा अपना वक्त पढ़ने में गुजारा सो so, ये एक स्कॉलरली बॉय था राइट फ्रॉम हिज टीन एज एंड चाइल्ड हुड ही वेंट टू कैम्ब्रिज और वो कैम्ब्रिज में भी गया बट ही फाउंड द करिकुलम एक्टिविटीज़ डल एंड बोरिंग ही डिसलाइक द स्कूल एजुकेशन ही डिसलाइक हिज मास्टर्स एंड अबाउट मास्टर्स ही सैड इन वन ऑफ हिज़ पोएम दैट मेड विद द प्राइड कि वो पागल हैं विद द प्राइड अपने फ़ख्र और गुरू के साथ एंड अबाउट फेलोज़ वो वो कंपनी को भी ज़्यादा डिसाइक करता था इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था एंड अबाउट हिज़ फेलोज हि सेड दैट दीज आर स्लीपी ड्रंक इन डल एंड इलिटरेट थिंग्स सो ही अवॉइड बोथ द करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो हिज़ कंपनी he spent time in reading and he spent his टीन एज ड्यूरिंग द क्लासिकल रीडिंग्स एंड मॉडर्न लिटरेचर लेकिन जब उसने आप एक लाइफ में ऐसा को इंसिडेंस देखेंगे और ऐसा टर्न देखेंगे कि जहाँ जिस कैम्ब्रिज को उसने डिसलाइक किया वहाँ ही जाके इसने बाय प्रोफेशन अडॉप्ट किया प्रोफेसरशिप एंड सिमिलरली जिन फ्रेंड्स को ये डिसलाइक करता था फ्रेंड एक फ्रेंड ने ही क्योंकि ये इकोनॉमिकली इतना कोई वेल well ऑफ नहीं था बहुत ज़्यादा कोई वेल्दी नहीं था तो एक फ्रेंड ने ही वेल पोल नामी एक फ्रेंड ने ही इसकी हेल्प की थी इसका फर्स्ट वर्क पब्लिश करवाने में अच्छा ग्रे बिगेन पॉइम्स इन सेवनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी टू उसने अपना अप, जो वर्क है पोइटिकल वर्क वो स्टार्ट किया सेवनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी टू ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट रिचर्ड वेस्ट के बहुत ही करीबी दोस्त थे और जब उसकी डेथ में इन्होंने अपनी एक पॉइम लिखना स्टार्ट की एंड ही रोड द पॉम सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट रिचर्ड वेस्ट पे एक डेथ पे एक सोनेट लिखी जिसकी जो थीम है वो डेथ थीम है एक एंड देन आफ्टर दिस ही मूव टू कैम्ब्रिज एंड बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट लैंड मैन ऑफ हिज टाइम ये क्योंकि बिकॉज ही वॉज में स्कॉलरली बॉय ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिस टाइम इन द रीडिंग रीडिंग्स बुक सो he moved to the Cambridge University that was the hub of the readers and then he called the most learned man of his time बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा consider किया जाता था उस दौर में he was one of the least productive poet his collected work fewer than one thousand lines वो इतना कम उसने work लिखा था और इतना कम work produce किया था कि just one thousand lines भी नहीं बनती अगर उन सब को हम collect करें तो शायद उसकी ज़िंदगी में ये बहुत इम्पैक्ट रहा हो कि उसने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया ना कि क्वांटिटी पे हम देखते हैं कि बहुत सारे राइटर्स का बहुत क्वांटिटेटिव वर्क है और उसमें बहुत कम ऐसा है जो क्वालिटेटिव है बट वट एवर ही प्रोड्यूस्ड वाज क्वालिटेटिव सो ही फोकस्ड मोर ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द कोांटिटी एंड ही इज़ रिकार्डिड हैज़ द फॉमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोइट इन एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी का सबसे बड़ा पोइट भी और ग्रेटर पोइट्स में भी ये माना जाता है ही वंस रोड देट ही फीय देट हिज कुलेक्टेड वर्क वुड बी मिसटेकन फॉर द वर्क ऑफ ली और उसने एक दफ़ा ख़ुद भी ये लिखा कि उसने ये ज़्यादा वर्क इसलिए नहीं प्रोड्यूस किया कि शायद उसका वर्क ज़्यादा गलतियों से भरा हो या ज़्यादा गलतियों होंगी लिखेगा देट्स वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ क्रिटिकल मैन और उसके वाल पोल एक फ्रेंड ने भी ये कहा कि ही नेवर रोट एनी थिंग ईजीली वो आसानी से कभी कुछ नहीं लिखता था मतलब जो भी वो लिखता था वो बहुत इवेल्यूएट करके और क्रिटिकल माइंड से लिखता था ग्रे इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैज़ ए ग्रेव यॉर्ड पोइट ऑफ द लेट एटीन सेंचुरी ग्रेव यॉर्ड पोइट इसलिए उसे कहा जाता है कि ही रोट मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री ऑन द ग्रेव यार्ड ऑन द डेथ थीम्स डेथ थीम पर उसने अपनी बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है जो भी उसकी थर्टीन पॉइंट्स हैं मोस्टली जो हैं उनमें वो डेथ थीम पे हैं दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द ग्रेव यॉर पोइट ग्रे ग्रेव रोट आइडियाज अबाउट डेथ मॉर्टिलिटी फाइनलिटी एंड सब्लाइमिटी ऑफ द डेथ वट एवर ही प्रोड्यूस्ड ही डिस्कस मोस्ट अबाउट द डेथ हर पोइट की एक स्पेशल थीम भी होती है बट ग्रेज पोइट वाज ग्रेज थीम वॉज द डेथ मॉटिलिटी इंसान का मर जाना मौत और इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा आप उनकी कुछ पोएम्स के नाम से ही वर्ड है जैसे उन्होंने 1742 में पॉइम लिखी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट ड्राउंड इन ए गोल्ड फिशेज़ ये सेवनटीन हंड्रेड एंड फोटी सेवन में लिखी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च आर जो बहुत फेमस भी है द फैटल सिस्टर्स डेथ थीम्स ही डिस्कस द डेथ थीम्स इन मोस्ट ऑफ हिज पोएम आप ये जितनी भी पॉइम्स हैं इनकी मेजर थीम्स जो हैं वो डेथ हैं ही इज़ कॉल्ड द ग्रेव योर पॉइट ऑल्सो और उस उनकी एक फेमस कोटेशन एंड पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दैट ही इज़ वेल नोन फॉर हिज फ्रेज दिस दैट वेयर इग्नोरेंस इज प्लेस दिस वोली टू बी वाइज कि हम अक्सर ये सुनते भी हैं कि जहालत भी समटाइम एक ब्लेसिंग होती है जब आपको पता नहीं होता तो आप उस जहालत में कोई काम कर जाते हैं समाइम ये एक ब्लेसिंग भी होती है और बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ ऐसे कर जाते हैं जब हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता कि ये एक सिनफुल है या एक गुनाह है इसीलिए समटाइम कहा जाता है कि जहालत भी ब्लेसिंग होती है लेकिन इसी वजह से रिलीजन इस चीज़ पे मोटिवेट करता है कि आपको ज़रूर नॉलेज हासिल करना चाहिए ताकि आप कहीं जहालत में कोई ऐसी गलती ना कर रहे हों जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाए सो दिस वॉज़ हिज इंट्रोडक्शन एंड दिस वॉज हिज़ ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन टू हज़ लाइफ एंड हिज़ वर्कस So, thanks for watching this video. If you have any question regarding Thomas Grant or any other topic, you people can ask in the comment box. And at the end, I request you that please like this video, share this video, and subscribe my channel.